पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एक बार फिर तीखे तेवरों में नजर आने लगी है। बुधवार को झुंझुनू के गुढ़ा गौजी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। राजे ने कहा कि 4 महीने में ही प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब हो गई है। उदयपुर वाटी क्षेत्र में 1 महीने में 9 बच्चियों के साथ दुष्कर्म इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 3500 रुपए की घोषणा तो कर दी लेकिन अब देते हुए जोर आ रहा है। राजे ने राहुल गांधी को पप्पू जी बताते हुए कहा कि वे अब न्याय की बात कर रहे हैं, इतने सालों तक क्या वे अन्याय कर रहे थे। इस अवसर पर वसुंधरा राजे का भाजपा जिला अध्यक्ष पवन मावडिया तथा पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी के नेतृत्व में स्वागत किया गया। सभा को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदनलाल सैनी सहित अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया।